Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बीमार होना आम बात है। कोई भी घर बीमारियों से बचा नहीं है। बीमारी थोड़ा समय के लिए आती है और सही उपचार मिलने पर चली भी जाती है। यदि किसी घर में सही उपचार मिलने के बाद भी लंबे समय से कोई ना कोई बीमारी चल रही हो तो ये वजह घर के सभी सदस्यों की चिंता और तनाव का कारण बनती है, जिससे पूरे घर में नकारात्मक सी बनी रहती है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। वे इसे अंधविश्वास मानते हैं। यदि इन उपायों को विश्वास के साथ किया जाए तो जल्द ही स्वास्थ्य बेहतर होता नजर आएगा। पहला, बीमार व्यक्ति को सोमवार के दिन ही डॉक्टर को दिखाएं और लाई गई उसकी दवा से पहले खुराक भगवान शिव को अर्पित करके कुछ पैसे भी चढ़ाएं और बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य जल्द ही बेहतर हो जाए ऐसी प्रार्थना करें। हर पूर्णिमा के दिन शिव मंदिर जाएं और परिवार को स्वस्थ रखने और निरोग रखने की प्रार्थना करें और गरीबों में कुछ न कुछ फल मिठाई और पैसे दान अवश्य दें। मंगलवार और शनिवार किसी भी दिन हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लगाकर बीमार व्यक्ति के माथे पर लगाने से उसका दिल मजबूत होता है और तनाव कम होने लगता है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है। सोमवार को प्रातःकाल एक गिलास पानी लें और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर एक मंत्र का 21 बार जप करके यदि कोई बीमार व्यक्ति पी जाए और भगवान से अपने जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करे तो जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय को आप सोमवार से शुरू करके रविवार तक लगातार करें। प्रतिदिन प्रातः अशोक के वृक्ष की ताजा 3 पत्तियों को चबाने से चिंताओं से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। बीमार व्यक्ति के लिए नीचे सहदेई और पीपल की जड़ रखने से बीमारी जल्दी ठीक होती है। यदि किसी रोगी को मृत्यु तुल्य पीड़ा हो रही हो तो जौ के आटे में काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर रोटी बनाकर रोगी के ऊपर से 7 बार उतार कर किसी भैंस को खिलाएं, इससे तत्वरित लाभ मिलता है। सूर्य जब भी मेष राशि में प्रवेश करें तो प्रातःकाल नीम की ताजी कुपोलो गुड़ और मसूर के साथ पीस कर रखाने से वर्ष भर रोग दूर रहते हैं। ये घर के सभी छोटे व्यक्ति खार कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसके घर के दक्षिण पश्चिम कोने के कमरे में दक्षिण दिशा में सर रखकर सुलाएं, उनकी दवाएं और जल कमरे के ईशान कोण में रखें। ध्यान रखें, रोगी व्यक्ति अपनी दवाएं, अपना खाना पीना ईशान कोण अथवा पूर्व की तरफ मुंह करके ही खाए। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करें। रोजाना ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।